देवभूमि उत्तराखंड के जनपद देहरादून की सुरम्य वादियों में बसा एक सुंदर सा गांव रानी पोखरी ग्रांट विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम पंचायत सुशासन यानी गुड गवर्नेंस पर पूर्णतः फोकस है। इसके अंतर्गत नियमित ग्राम सभाओं की बैठक, सोशल ऑडिट, जन जन तक योजनाओं की जानकारी के लिए वॉल पेंटिंग के कार्य पंचायत द्वारा किए जा रहे हैं। इसी के साथ सभी प्रकार के लेन देन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। भारत सरकार से प्राप्त 15वां वित्त आयोग, राज्य सरकार से प्राप्त हो रहे स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट को ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से खर्च किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा CSC के माध्यम से लोगों को जो है गुड गवर्नेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को नियमित उनके आय प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और नियमित रूप से उनको दिए जाते हैं। उनकी एक समय अवधि 15 दिन की जो होती है उन पर हम लोग उस पर काम करते हैं और समय समय पर हम ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं के साथ बैठकों में हम पारदर्शिता से अपना ऑडिट भी करते हैं जो पंचायत में हम लोग काम करते हैं। हमारी ग्राम सभा में भारत सरकार द्वारा जो भी 15 वित्त की ग्रांट आ रही है तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आ रही है वो हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन 100% हमारी पंचायत द्वारा भुगतान किया जा रहा है तथा जो हमारी ग्राम सभा में ओन सोर्सेस के माध्यम से जो भी इनकम जनरेट की जा रही है वो ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन माध्यम से PFMS पोर्टल पर भुगतान किया जा रहा है जिसे ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम वासियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के यूजर चार्जेस जैसे गार्बेज कलेक्शन, वेडिंग पॉइंट एवं शॉपकीपर से QR कोड के माध्यम से कलेक्शन किया जा रहा है। पंचायत ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत SHG ग्रुप्स को सपोर्ट करते हुए उन्हें अलग से मीटिंग एवं अदर एक्टिविटीज के लिए मीटिंग हॉल बना कर दिया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली थीम पर भी पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए पंचायत ने आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया है, उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बच्चों के लिए बनाया है। बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर एक छोटा सा जिम भी वहाँ पर लगाया गया है। वो बच्चों के शारीरिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए उसका निर्माण वहाँ पर कराया गया है। जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है और जिस पर वो अपनी बैठकें करती है और जो यहाँ पर आसपास के जो SHG समूह है जो भी वो उत्पाद पैदा कर रही है। पंचायत के अंदर राज्य सरकार के सहयोग से उत्तरा हाट की स्थापना की गई है और उस हाट के माध्यम से उनका जो उत्पाद है वो बिक्री हो रही है, उन लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार के सहयोग से पंचायत घर में विभिन्न विभागों जैसे CSC तथा राजस्व के लेखपाल और पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, आशा, आंगनबाड़ी भी नियमित रूप से रहते हुए आम जन को विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं।